तो फेल गेम फैमिली स्टोन एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये है फार क्राई प्राइमल का 11वां एपिसोड। और इन केस आपने इसका 1 से लेकर 10 तक कोई भी एपिसोड मिस किया है, तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ तक की जर्नी ना बहुत ज्यादा औसम रही है। तो इसलिए आपने यहाँ तक का जो भी एपिसोड मिस किया उसको देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा आपको याद हो कि वेंजा गांव बसाने के बाद जो 3 स्पेशलिस्ट को टकार ढूंढ के लाया था, ताकि उनके साथ ट्रेनिंग करके टकार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और उसके बाद वो उल से जाके फाइट करे, तो उन तीनों ही स्पेशलिस्ट का मैंने सारा मिशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन उल का जो खास आदमी है, जिसे हम लोग 2 एपिसोड पहले मिले, जिसका नाम डा है, उसे टकार पहले तो हरा के किडनैप करके लेते आया, लेकिन अब वो टकार के ऊपर यकीन कर रहा है और वो उल के धीरे धीरे सारे राज बता रहा है। तो मेरे भाई आज तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज ये डा के सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद आज फाइनली हम लोग उत्तम वॉरियर्स के लीडर उल से फाइट करने जा रहे हैं। यानी बहुत ही ज्यादा फाड़ू होने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और मैं दिल से बोल रहा हूँ कि इस सीरीज पे जितना आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया ना, मैं जितनी बारी थैंक यू बोलूं आप सभी को कम है। और बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और देखिए, मैंने वादा किया था कि एक दिन गैप लेने के बाद डेली वीडियोस आएगी, और डेली वीडियोस आ रही है, तो इसी बात पे एक छोटा सा लाइक तो बनता है। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, नया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार्ट किया जाए। तो जैसा मैंने बोला ना कि आज हम लोग डा का सारा मिशन कंप्लीट करके उल से फाइट करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि टेंसे बाबा से ना बहुत टाइम हो गया मिले हुए, और इनका भी मेन मिशन आया हुआ है, तो इन्हीं के मिशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद डा का सारा मिशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार ये क्या 3-5 करवाते हैं। उगवाम, नक्राबी, हीरा किस बात? मुपुर हीरा किस लायकवा? पालु मानसिपा, क्वाइना मु बातरिस क्वाला। मिक्रापी हुदागवा, माची सालवा उरुस दागवा। माची बातरिस शर्चिमस। क्राति दाउसमास। Prasqua yahu pacham. Mas prasqua bi. Battery krati kasha. Battery krati dwaisa krati dwaya. Guif wasa krati hudagwa. Nusa sushelhain chashman suchaya. Chimasta guarpeti. Ukratis prasqua waida. Tu sus dugistar. Drauba mas. अच्छा याद है ना कि इस गेम में ना सिर्फ उत्तम वॉरियर्स के लीडर उल मेन बॉस है, बल्कि इजिला वॉरियर्स की लीडर जो बाटरी है वो भी मेन बॉस है। तो टकार जब टेंसे बाबा के कैंप में गया तो ये आग में अपना हाथ जला रहे थे, और इन्होंने बोला कि मेरे चमड़े में तो दर्द नहीं होता है, और उन्होंने पकड़ के टकार का हाथ भी जला दिया। तो टकार का हाथ जल गया ऑब्वियसली, और टेंसे ने हंस के बताया कि इस आग से दर्द होना ना मुझे बहुत पहले ही बंद हो गया था। और उन्होंने टकार को ये रिवील किया कि बटारी ने बहुत टाइम पहले इनको गुलाम बनाया हुआ था, और उन्होंने अपना चमड़ा भी दिखाया कि देखो मेरा हाथ जलाया था बटारी ने, और अब वो जल्दी पूरे उरुस को भी जला देगी। टकार ने बोला कि जल्दी ना, हम लोग उसको रोक लेंगे ऐसा करने से। तो टेंसे ने बोला कि अगर उसको रोकना है ना तो हमें क्राटी चाहिए। तो टकार पूछने लगे कि अच्छा वो मास्क ऑफ क्राटी जो मैंने अपने विजन में देखा था। तो टेंसे ने बताया कि ये क्राटी ना मास से बहुत ज्यादा बढ़कर है, और बटारी क्राटी से प्यार भी करती है, क्राटी से नफरत भी करती है, और क्राटी से डरती भी है। और बहुत टाइम पहले ये जो आदमी था क्राटी, इसको जिंदा जला दिया था बटारी ने, और अब उसकी लाश जहाँ पे मास्क के साथ रखी हुई है वहाँ पर इजिला वॉरियर्स का बहुत बड़ा पहरा है। तो टेंसे ने टकार को काम पे लगा दिया कि अगर ये मास्क ऑफ क्राटी मिल गया ना तो हम लोग बटारी को रोक सकते हैं। और जब उन्होंने दोबारा टकार का हाथ जलाया तो टकार का इस बार ये हाथ जला नहीं, तो उन्होंने बोला कि बीस मास्टर अब तुम तैयार हो और तुम जाओ और ये मास्क ऑफ क्राटी लेके आओ। तो इसलिए अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये मास्क ऑफ क्राटी इजिला वॉरियर्स के पहरे से निकाल के लाना है, जो कि आई थिंक ये टफ होने वाला है, और हो सकता है कि वहां पे बटारी भी मिले अपने को। तो मुझे बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ 2 एपिसोड और बच गए हैं, और आई थिंक ये हो सकता है कि आज भी खत्म हो जाए, लेकिन आज मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। पर कल जो भी इसका एपिसोड आएगा ना, 110% कितना भी लंबा एपिसोड हो, कल इसका फिनाले करेंगे भाई। तो जब भी मैं कोई गेम स्टार्ट करता हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी खत्म होने वाली रहती है ना, तो थोड़ा बुरा कहीं ना कहीं लगने लगता है, क्योंकि गेम में जितना भी कुछ अचीव किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है जब गेम खत्म हो जाता है कि हाँ सब कुछ देख लिया गेम में और अब कुछ नया देखा जाए। तो कुछ कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, और यही तो मजा है नया नया गेम्स खेलने का।
और चलो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। अच्छा ये मास्क ऑफ कराटी ये लोग इतनी आसानी से चुराने देंगे जब इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये इजिला वॉरियर्स के लिए, तो ऑब्वियसली कम से कम 100-150 आदमी तो होंगे यहाँ पर। अच्छा गुफा के अंदर है तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इजिला वॉरियर्स की पवित्र गुफा के अंदर घुस के इनका मास्क ऑफ कराटी चोरी करना है। बताओ कहां मैं टकार को महान योद्धा बना रहा था, गेम ने भाई मुझे चोर बना दिया है, वो भी चिंदी चोर। तो क्योंकि फैंगू मेरे साथ पानी में तो तैर के नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब मैं अंदर जाऊंगा ना तो अपने आप आ जाएगा। आ जाना भाई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बटारी के साथ यहाँ पर एक आधी बॉस फाइट हो, मतलब फुल बॉस फाइट तो नहीं होगी लेकिन हो सकता है कि उसकी कोई खास आदमी आए बॉस फाइट करने के लिए। अच्छा क्योंकि ना ये चोरी वाला मिशन है इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि साइलेंटली किया जाए। रे फैंगू कहाँ दौड़ के चला गया, मां कसम भाई साइलेंटली करना है मिशन। वापस आ ये जाके सबको ऐलान कर देगा। अच्छा पता नहीं क्यों मैं अपने ग्रेट स्कार बेयर को नहीं बुला सकता, केव वाले कोई बेयर को नहीं बुला सकता, पता नहीं ऐसा क्यों है जबकि हम लोग गुफा के अंदर ही है। तो इस मिशन में मेरा साथ स्नो ब्लड वुल्फ देगा क्योंकि इसका स्टेल्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा ये आदमियों के सामने से चलते हुए आ रहा है, कोई इसको नहीं देख रहा है, अंधे हो क्या भाई तुम लोग। तो ऐसा है ना कि जब तक हम लोग साइलेंटली कर सकते हैं मिशन साइलेंटली करते हैं, और अगर देख लिया तो फिर तो ऑप्शन बचेगा नहीं, मारना ही पड़ेगा सबको। अच्छा जहां पे मास्क ऑफ क्राटी पड़ा हुआ है ना वहां पर सब आगे पीछे हर डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं साइलेंटली लेके भाग पाऊंगा क्योंकि कोई ना कोई देख ही लेगा। एक बार ना मिनी मैप में देखो कि यहाँ पर कितने सारे आदमी हैं और ऊपर से इतनी छोटी सी गुफा है, छुपने का भी कोई जगह दिया नहीं है तो चांसेस कम ही लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे साइलेंटली कर पाऊंगा। और मैंने भेड़ियों को बुलाया था ताकि वो स्टेल्थ मोड में छुपे रहे, वो जाके 3-4 लोगों को मार के आ गया और सबको अलर्ट भी कर दिया। बहुत बढ़िया भाई। तो भेड़िए तेरे को इसलिए बुलाया था ताकि तू मेरे साथ छुपे रहे घास के अंदर, आगे आगे मत जा, मुझे फॉलो कर। और जब तक हम लोग, ये देखो सबको तो पता चल ही गया है क्योंकि भेड़िए ने मार दिया ना 2-3 को घुस के, तो सब अलर्ट मोड पे आ चुके हैं और सब भाग रहे हैं। भेड़िया ने स्टेल्थ मोड की तो बैंड बजा ही दी थी, चलो फिर अब घुस के मारा जाए सबको। अच्छा यहां पर जितने भी इजीला वॉरियर्स हैं ना सब नल्ले टाइप के, इनको मारना उतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा मास्क ऑफ क्राटी ना यहीं पर है, पर मैं सोच रहा हूं कि पहले सबको मार देता हूं उसके बाद फिर उठाया जाएगा उसको। मुझे लग रहा था कि स्नो ब्लड टक्कर नहीं दे पाएगा लेकिन भेड़िया भी अच्छा ही काम कर रहा है, आधे ज्यादा लोगों का सन्नाटा कर दिया इसने भी। अच्छा अच्छा ये है तगड़ी वाली, लेकिन टिकेगी नहीं क्योंकि आधा ज्यादा मार ही दिया है भेड़िया ने। नी, नी। और भाई ये जो स्लिंग मारते ना इतना चुड़चुड़ी लगता है ना अंदर से, मन करता है इनका कचुम्बर बना दूं। तो ऐसा है ना कि इनमें से एक कोई डरपोक है जिन्होंने इजिला वॉरियर्स का गैंग तो ज्वाइन किया था लेकिन अब सामने आके फाइट करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, पर उसको मार देंगे। ओ ये रहा। अच्छा ये तो था ही, लेकिन इसके अलावा एक और आदमी है जो कि पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। भाई ज्वाइन क्यों किया गैंग जब मतलब फाइट नहीं करना था, तो नीचे से सिर्फ चिल्लाते रहेगा या चिल्लाते रहेगी, पता नहीं लड़का है या लड़की है। तो मुझे काम पे लगाया था चोरी करने, लेकिन मैं डकैती कर रहा हूँ। चोरी और डकैती में डिफरेंस होता है, डकैती में मतलब सबको मार के लूटा जाता है और टकार वही कर रहा है। बस मुझे एक बात बताओ कि इस गुफा के पीछे इजिला वॉरियर्स की कोई फैक्ट्री लगी हुई है क्या, कि नए इजिला वॉरियर्स आ जा रहे हैं हर सेकंड। तो आई थिंक अब गुफा में सन्नाटा हो ही गया, अब मास्क उठा लेते हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही है ना। हाँ मास्क लेते हैं, निकलते हैं यहां से।
Venge! Krati! Krati! Nu, Venge! Tecumi! तो मरते मरते बचा है टकार और मास्क ऑफ क्राटी भी चोरी कर लिया है। अब यहाँ से भागना बहुत सारे इजीला वॉरियर्स एक साथ आ गए। मेरा भेड़िया मेरे साथ है ना, भेड़िया साथ ही में रहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फैंगू को बुला लेता हूँ। तो क्या लग रहा था कि मास्क ऑफ क्राटी चोरी करके आसानी से जाने देंगे? वो तो पैर में तीर मारा और बस गला भी काटने ही जा रही थी, बच गया टकार, क्योंकि पैर में जो तीर मारा था उसी से उस लड़की के गले में मार के भागा है। अच्छा, ये पूरी गुफा ना एक तरह से क्राटी, वो जो आदमी है जिसका मास्क है, उसकी कब्र है। और अब मैं सोचो ना कि इजीला वॉरियर्स की भी यहाँ पे कब्र बना दूं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फैंगो को बुलाने। तो मुझे लगता है कि फैंगो इनको डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा और मेरा काम है बस बाहर निकलना है यहाँ से। तो ऊपर जाते के दिख रहा फैंगू, मारते रहे सबको, जो भी मेरे रास्ते में आया उसको मारते रहना, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं। अच्छा पता है, इन सारी ग्रेट पीस को अगर टीम किए हुए मैं ये सब मिशन करता ना, हालत खराब हो जाती। अच्छा अभी भी बाहर की तरफ आए नहीं, यहां पर भी लोग हैं। फैंगू तू आ जा मेरे साथ। तो भले ही इजीला वॉरियर्स की बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये लोग एक तरह से रो रहे हैं कि मास्क ऑफ क्राटी चोरी करके ले जा रहा। भाई इतना क्या ऑब्सेशन है तुम लोग को इस मास्क से? अच्छा विजन में देखा था ना कि अगर मास्क ऑफ क्राटी टकार पहन लेगा ना, तो उसके पास क्राटी की ताकत आ जाएगी। और फिर आप लोगों ने तो देखा ही था कि इजीला वॉरियर्स तो भाई कुछ नहीं है, बल्कि चांद तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है टकार। तो इनसे लड़ के कोई फायदा नहीं है, बस बाहर की तरफ जाना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव वही है, जो रास्ते में मिलते जाएंगे उनको मारते जाऊंगा। बस बस फैंगू, रोशनी आ रही है ना, यानी कि हम लोग बाहर की तरफ ऑलमोस्ट निकल ही गए। ओ भाई भाई भाई, मेरे फैंगू को डाउन कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बस दूरी बना के रखनी है। चलो भाई, फैंगू को जिंदा कर लिया, ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, रास्ते में जो दिखेगा उसको मारते रहना और बाहर की तरफ भागना है। तो इजीला वॉरियर्स ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके सामने से मास्क ऑफ क्राटी चोरी करके मैं लेते आया। निकला जाए यहां से। तो यहाँ से टकार अब गांव वापस जा रहा है और वो टेंसे बाबू को दिखाएगा जाके कि मास्क ऑफ क्राटी वो लेते आया है। और वो जो आग वाली एक पावर नहीं दिखी थी विजन में, अगर वो मिल गई तो भाई अभी गेम खत्म कर दूंगा मैं। कुबारता क्राटी प्राश्कुआ क्राटी 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 माची क्वार्पति द्वाया। ये टेंसे बाबा ने मास्क पे सूसू क्यों किया भाई? ये क्या क्या करते रहते हैं टेंसे? आहूरा रास्कुआवासा क्राटिबुहा उसुस तुगिस्तार त्वाया सप्लाहा तुबाता रिगुआना पार्श्वा शाओगस माजिस ग्वारिस ताउस्ता Ura bauga ha batteris dagis na waika. Takar. O sus tugistar. Tani daha.
तो टकार ने जब डेंसे को दिखाया ये मास्क ऑफ क्राटी तो ये देखकर डर गए, बोले कि ओ क्राटी तुम लेते आए, और इन्होंने मास्क पे सुसु कर दिया, फिर पता नहीं क्या क्या मिलाया, और फिर ये मास्क टकार को पहना के बोला कि अब तुम क्राटी बनो, और क्योंकि बटारी क्राटी से डरती है तो एक बार मास्क पहन के तुम क्राटी बन जाओगे तो ये बीस मास्टर यानी कि तुमसे भी डरने लगेगी, और एक बार ये डरने लगी तो फिर तुम इसको मार सकते हो। तो टकार ने इनको बोल दिया कि टेंशन मत लीजिए, मैं जा रहा हूँ बटारी को मारने के लिए। और जब टकार जाने लगा तो टेंसे ने बोला कि सिर्फ उसको मारना मत, उसको चिल्लाने पे मजबूर कर देना, इतनी बुरी मौत मारना उसको। तो जैसे उल का फाइनल मिशन आ गया था ना, बटारी का भी फाइनल मिशन आ गया है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी मिशन पहले कर सकते हैं, या तो उल को मारने जा सकते हैं या फिर बटारी को मारने जा सकते हैं। पर जैसा मैंने बोला था कि क्योंकि उल पहले मिला था अपने को कहानी में, तो उल को पहले मारेंगे उसके बाद फिर जाएंगे बटारी को मारने। और इससे पहले हम लोग उल को मारने जाए डाक का सारा मिशन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो उल के बारे में कुछ खास राज बताए। और दो तीन चीज मैंने देख लिया जो कि आज मैं अपग्रेड करूंगा, अभी नहीं लेकिन करूंगा, टेंशन मत लो, आज ही किया जाएगा। दाम शाम बातरिस पाशवारा शाम शाम तुकाई दाम। तो टकार ने बोल दिया कि बटारी के घर में घुस के उसको मारूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ फिर हमला करने जाऊंगा। तो तैयारी क्या करना है, जो बचे कुछ मिशन से ना डाके, बस एक ही स्पेशलिस्ट तो बच गया है, इसके मिशन कंप्लीट करते हैं फिर बटारी नहीं, पहले हम लोग हमला करेंगे उल के ऊपर। अच्छा डा ना मेरी बहुत मदद कर रहा है, एक काम करते हैं ना इसके घर को अपग्रेड करके लेवल 2 पे कर देते हैं। चल भाई तेरे घर को अपग्रेड कर दिया जाए। तो डा के घर को भी अपग्रेड कर दिया, अब देखते हैं इसके क्या क्या मिशन बचे, जल्दी से खत्म करके भाई उल पे हमला करना है, और उल को मारना आसान नहीं होगा, टाइम भी लगेगा, तो इसके मिशन जल्दी से करना है। अच्छे इसके घर को अपग्रेड करने से 2 स्किल पॉइंट मिला है, कुछ लिया जा सकता है क्या अभी? तो इस स्किल को लेने के बाद अगर हेल्थ बार कम रहता है तो खुद से अपने आप फुल हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कम रहता है तो गेम को सेव करते हैं और डा से मिल के बात करते हैं, देखते हैं क्या मिशन है इसका। Kapalpur sasa na kwaita haita charge tam han yakikadav udam chartasu majish yaka shas kanhi tuta shas kani waidam। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि ये गेम 10-12 हजार साल पुराना है, लेकिन इस गेम में इतने अजीब अजीब आदमी क्यों मिलते हैं, मतलब एक तो कम से कम ढंग का आदमी मिले। तो टकार जब इस डा के कैंप में गया तो ये अपना सर पीट रहा था, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये अपना सर क्यों पीट रहा है, पर भाई ने बाद में बताया कि इसके सर में एक गर्मी और ये गर्मी बाहर नहीं आ रही है। तो एक्चुअली मैं वो सीन नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो उसने टकार को चाकू दिया और बोला कि मेरे सर में छोटा सा छेद कर दो ताकि जो गर्मी है वो बाहर निकल जाए, और टकार ने इसकी बात मान के सर में इसके छेद कर दिया। तो ये खुश हो गया, बोला कि मैं टकार के साथ खड़ा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने बोला कि मेरी जो सर की गर्मी है ना वो थोड़ी सी तो निकल गई है इस छेद की वजह से, लेकिन पूरी तरह से अगर सर की गर्मी को फिक्स करना है तो जो मेरे साथी है ना उद्यम वॉरियर्स, उनके कैंप में हड्डियों का धूल रखा रहता है, तो उस हड्डियों की धूल को अगर मैं सर पे लगा लूंगा तो सर की गर्मी शांत हो जाएगी। और टकार ने भी नहीं पूछा, तो मैं भी नहीं जानना चाहता हूँ कि किसकी हड्डियों का धूल है, इंसानों की या जानवरों की या पता नहीं किसकी, भाई तेल लेने गया। तो डा के सर के अंदर जो आग लगी हुई जिसकी वजह से ये गर्मी से पागल हो रहा है, अगर उसको शांत करना है तो उत्तम वॉरियर्स के कैंप में घुसकर ये जो हड्डियों का धूल है इसको चोरी करना होगा या लूट के लाना होगा, जो भी। उस टाइम डर्मीकुल नहीं ना बना था, डर्मीकुल बना रहता तो काम हो जाता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, पता नहीं इसके सर में क्या कौन सी गर्मी है, तेल लेने गई। और अच्छा अच्छा आप समझ में आ रहा है कि ये लोग ठंड में भली मरने आ गए, लेकिन इसीलिए ठंड में मरने आए क्योंकि इनके सर के अंदर इतनी गर्मी है कि अगर यहाँ नहीं ना रहेंगे ये लोग तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डा का हाल देख रहे हो कितना बुरा है। अच्छा जहाँ बस मैं देखता हूँ वेंजा के लोग मार खाते रहते, वेंजा के लोगों को अभी छोड़ो, अपन जाते भाई कैंप की तरफ और वो जो हड्डियों का धूल है उसको उठा के लाते हैं। अच्छा कुछ टाइम पहले तक देखते थे मेन मिशन भरा हुआ रहता था मैप में, लेकिन अब एक आध मेन मिशन दिख रहा है और जो भी मेन मिशन है सारे फाइनल ही है। भाई बहुत जल्दी कैंप की तरफ पहुंच भी गए हम लोग। Come on.
अरे मनहूसों बस एक छोटा सा काम है, हड्डियों को धूल लेने आया हो। तुम्हारा ही साथी है डा, जिसने अब गद्दारी कर दी है भले ही, लेकिन तुम्हारा ही साथी कभी तो था वो। तो बस हड्डियों का धूल मुझे यहाँ से ले जाने दो और उसके बाद तुम लोग मरो। ये बात तो पक्की है कि ये लोग मेरे ऊपर जहरीला गैस फेंकेंगे, इसलिए उसकी काट में पहले ही से खा लेता हूँ ताकि जहरीला गैस का कोई असर ही नहीं पड़े मेरे ऊपर। चलो देखते हैं ये जो पीला पत्ता साइला ने बना के दिया ये कितना काम का है। ऐसे इसका मीटर भी बना हुआ है राइट साइड में, देखो वो जो प्लस का साइन है ना, बस उतना ही टाइम है मेरे पास, तब तक ये एंटीडोट काम करेगा। तो ऐसा है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में मैं कुछ ज्यादा ही एकदम बीच में घुस गया, पर अब जब घुस गया तो इनकी वाट लगाई जाए। अच्छा साइला ने जो पीला पत्ता बना के दिया उसकी वजह से हरे धुएं का कोई असर ही नहीं हो रहा मेरे ऊपर। अच्छा ये जो चार पांच टर्न बने हुए ना, उनमें से किसी के अंदर बोन डस्ट है, तो पहले जो बचे कुछ आदमी उनको मार देते हैं, उसके बाद तलाशी लेते हैं। जैसे कि इस टेंट के अंदर तो नहीं है, और आदमी लोग भी आने लगे। वाह, तो ये उद्धव वॉरियर्स की ना मासूम औरतें हैं, तो इनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऑप्शन है मारने का, लेकिन क्या जरूरत है। तो यहाँ भी नहीं थी हड्डियों की धूल, कहाँ छुपा के रखी है, ये औरतें भी बताएंगी नहीं लगता नहीं है मुझे। Ubisoft वाले कितने बदमाश है, टेक डाउन का ऑप्शन दे रहे हैं, बेचारे इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं। हाँ अगर इजीला वॉरियर्स रहती तो औरतें रहती तो उनको भी मारना पड़ता, क्योंकि उसकी औरतें ही डेंजरस है ज्यादा। अब तो कोई उद्धव वॉरियर भी नहीं आ रहा, आराम से अब लोग तलाशी ले सकते, कहीं ना कहीं तो हो गई। एक या दो टेंट और बच गया, दोनों में से किसी एक में होगा। शासकानी। तो हड्डियों की धूल मिल गई है, बस अब उद्धव कैंप से बाहर निकलना है। उहारा। अच्छा जितने भी स्पेशलिस्ट है ना, सबका दो या तीन मिशन रहता है, तो डार्क का ज्यादा ज्यादा दो मिशन होगा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े मिशन होंगे, यानी कि पुल पे हम लोग जल्दी हमला करने जा रहे हैं आज ही। तो ये जिसकी भी हड्डियों का धूल ले जाके डार्क को दे देते दे, ताकि उसके सर के अंदर जो आग लगी हुई है वो शांत हो सके, और फिर वो मुझे उल का कोई रास्ता बता दे भाई, ऐसी कोई कमजोरी बता दी जिससे इसको मारना आसान हो जाए। चलो ठीक है कैंप वापस चलते हैं, बहुत कुछ मुझे अपग्रेड भी करना है, जो मेरी गदा है उसको मेरे धनुष में दो तीर लगा के मारा जा सकता है, तो वो सब अपग्रेड करना है। बहुत सारा सामान लेना होगा भाई अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अच्छा अच्छा ये वाले स्किल से ना रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएंगे, इसको ले लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ और करें, डाक को ये हड्डियों का राख दे देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो डाक को हड्डियों की राख दे दी टकार ने, और इसने बोला कि थैंक यू टकार, और अब मेरे सर की गर्मी शांत हो गई है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। तो ये आराम करेगा, तो ये तो आराम करेगा, लेकिन मुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ अपग्रेड करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, कि टाइम लेता हूँ और सब कुछ क्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना भले ही जायमा विलेज को छोड़ के चली गई, लेकिन उसके घर को लेवल 2 पे कर देते हैं, क्योंकि इसके घर को अगर लेवल 2 पे कर दिया ना, तो दो तीर एक साथ मारने वाला धनुष में क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन पहले इसका लेवल 2 करना होगा घर को। वा, 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 वा,
जायमा के घर को तो लेवल 2 कर दिया है, लेकिन अब वो जो धनुष को क्राफ्ट करने के लिए भी सामान चाहिए, और मुझे लगता है कि जब मैं सामान कलेक्ट करूंगा तो वो सबको वीडियो में रखने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, सारे रिसोर्सेज में कलेक्ट करता हूँ आराम से और अपना टाइम लेता हूँ और वीडियो में उड़ा दूंगा, लेकिन जब अपग्रेड करूंगा तब वहां से वीडियो कंटिन्यू करूंगा। यानी बहुत टाइम लगने वाला है, कोई नहीं तो इस पॉइंट से वीडियो को मैं कट कर दूंगा। ओ भाई, आधा एक घंटा लग गया, हालत खराब हो गई, लेकिन सारा सामान जमा कर लिया है। 2-3 चीज नए नए अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी गदा को अपग्रेड किया जाए। तो अगर सारे स्पेशलिस्ट का मिशन नहीं ना करते तो ये सारे सामान को अपग्रेड भी नहीं कर पाते। 2 तीर एक साथ मारने वाला धनुष, तो पता है अब मुझे लग रहा है कि मैं उल से फाइट करने के लिए तैयार हूं। ये क्या है, ट्रैप? अच्छा, तो अब अगर किसी और का मिशन नहीं आया, यानी कि डा का मिशन नहीं आया, तो हम लोग जाके डायरेक्ट उल से फाइट करेंगे। वेपन स्विचिंग, हाँ वो तो ऑब्वियसली हम लोग वेपन स्विच करेंगे। भाई खतरनाक दिख रहे अब मेरे वेपन्स। नहीं, अच्छा याद है गेम को स्टार्ट किया था एक नॉर्मल धनुष के साथ। अब देख रहे हो ये जायमा की वजह से कितना अच्छा धनुष मिल गया अपने को, और करुष के मिशंस करने के बाद ये गदा अपग्रेड हो गई है। ओ, डा का मिशन आया हुआ है, डा का मिशन करते उसके बाद जाएंगे उल से फाइट करने। फाइनली आज ही जाएंगे, टेंशन मत लो, आज उल को हम लोग मार रहे, कितना भी लंबा एपिसोड हो। तो लगता है हड्डियों का धूल लगा के कुछ ज्यादा ही शांत हो गया। बता भाई अब क्या दिक्कत है? अलहुमानसिन दा सुशलहाइ स्वासर वना उदन दागुआच ताम मालशासार क्वानार्च मानुदा लाक्सेवा ना मालशासार चार्ता लाइक्वा ऊ स्वासार क्वान बुरुस सालवाया। तो डा ये जो सन वॉकर सिस्टर्स के बारे में बात कर रहा है ना, यानी कि इजिला वॉरियर्स की लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, और डा बता रहा है कि इसने भी बहुत सारी इजिला वॉरियर्स की इन लड़कियों को मारा है, जो कि उत्तम वॉरियर्स को भी मारती थी, और इन्हीं इजिला वॉरियर्स ने नरम खून वाले लोगों को, यानी कि वेंजा के लोगों को भी मारा है। और डा बोल रहा था कि अब मैं कमजोर हो चुका हूं, इसलिए मैं तुम लोगों का कैंप तो छोड़ के जा नहीं सकता, लेकिन टकार तुम जाओ और इन इजिला वॉरियर्स की सिस्टर्स को मारो और उरुस की जमीन को हमेशा हमेशा के लिए सेफ बना दो। मुझे लगता नहीं है कि इनको मारने के बाद भी जमीन सेफ होगी, लेकिन ठीक है चलो, डा ने बोल दिया है, हाँ तो कर ही लेते हैं ये वाला भी। और बस बस इस मिशन के बाद चाहे कोई भी मिशन आ जाए, मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा, उल को मारने जाएंगे भाई आज ही हम लोग। अच्छा मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा तेज हो, और मैप में देख के आप समझ गए होंगे कि अभी भी एक स्पेशलिस्ट बाकी है। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि नहीं समझोगे, लेकिन मैं फिर भी बता ही देता हूँ। तो जैसे उल से पहुंचने से पहले डा से फाइट करना पड़ा ना, और उसको पकड़ के हम लोग अपने कैंप पे लेते आए ताकि उल के जो भी सीक्रेट्स अपने को पता चले। वैसे मैप में देखा ना कि बटारी के जस्ट आगे एक और किसी का किला है जो कि बटारी की खास है, तो बटारी को मारने से पहले उसके किले पे हमला करके उसको भी आई थिंक टकार पकड़ के कैंप पे लेते आएगा बटारी के राज जानने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर इस उल को जल्दी से मार लिया तो फिर उस किले पे भी हमला करके उस लड़की को भी या लड़का है जो भी है उसको पकड़ के लेते आएंगे, ठीक है। पर ये उल को मारना इतना आसान होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। भले मैंने खुद को ऑलमोस्ट अपग्रेड कर ही लिया है भाई, सारे हथियार लगभग अपग्रेड फुली अपग्रेड कर लिए हैं, और इसके बाद भी अगर उल को मारना डिफिकल्ट हुआ तो मुझे नहीं पता कि उल को और कैसे मारा जा सकता है। अच्छा, और मैंने सोच लिया है क्योंकि अब एक ही दो एपिसोड बच गया और जर्नी भी अब उतनी लंबी लंबी नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रैवल तो मैंने ज्यादातर सब अनलॉक कर ही लिया है, तो जर्नी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि अब खत्म ही है भाई, अब क्या स्किप करें। अच्छा पता है गेम खत्म होने से पहले ना एक और 20 बच गया है जो कि रेयर स्ट्राइप वुल्फ है, और क्योंकि रेयर है ना इसलिए उसको खोजना मुश्किल है। अभी तक तो मुझे ऐसा एक कोई वुल्फ दिखा नहीं, पर गेम खत्म होने से पहले उसको ढूंढ के टेम कर लेंगे। तो फैंगो या तो तू दौड़ के आ जाना या स्पॉन करके डायरेक्ट ऊपर ही आ जाना, क्योंकि ऊपर इजिला वॉरियर सिस्टर है, आई थिंक ये मिनी बॉस टाइप की होंगी, वो लोग उतनी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन अगर 3-4 होंगी तो दिक्कत आ सकती है, तो तू आ ही जाना। तो ऐसे तो मैं उल्लू को जल्दी यूज नहीं करता हूँ, बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एरिया को एक बार सर्वे करना गलत नहीं रहेगा, कर लेते हैं और पता चल जाएगा कि कितनी इजिला वॉरियर्स की सिस्टर्स को मारना है। अच्छा इस मिशन का नाम है, सिस्टर्स ऑफ फायर, आग की बहने। चलो ठीक है, ओ 3-3 ट्रॉफीज है उनके पास,
और तीनों को मार के ट्रॉफी चोरी करनी, यानी कि तीन है। अच्छा उल्लू के पास मैंने दो बॉम्ब्स अनलॉक कर लिए हैं, तो वो दोनों बॉम्ब इनके ऊपर गिराया जाए, पता तो चले कि यहाँ पर है क्या। ओ यहाँ पर एक शेर भी है, और ये लोग अपना थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, करने दो भाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनका पालतू शेर है, क्योंकि देख रहे हो ना दहाड़े जा रहा है और गुस्से में है। इसके पास हॉर्न है तो इसके ऊपर एक बॉम्ब गिरा देते हैं। तो उल्लू से बॉम्ब गिराने से पता ही क्या होता है, सबको पता चल जाता है कि टकरा आया हुआ है, इसलिए इनको पता चल गया है कि टकरा आ चुका है। बहुत बढ़िया भाई, और सब मेरे ऊपर आ रहे हमला करने, एक और बॉम्ब गिराता हूँ फिर टकरा बनता हूँ। तो मेरा काम है तीन इजीला सिस्टर्स को मारना और डाक का बदला लेना, और उनसे तीन ट्रॉफी भी उठाना है। तो जिनके ऊपर येलो मार्क होगा ना मेन, उनको मारना है, ठीक है। और ये इजीला वॉरियर्स की मेन ताकत ना आग है, तो ऐसा कोई पत्ता खा लेता ना जिससे आग से मुझे कम डैमेज हो, ऐसा कोई पत्ता तो था मेरे पास। तो इससे पूरी तरह से तो मैं फायर प्रूफ नहीं बनूंगा, लेकिन आग का डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सिर्फ 30% डैमेज कम हुआ है, अभी भी बहुत डैमेज हो रहा है भाई आग से। अच्छा सॉरी, ये लगता है कि जीला वॉरियर एक आदमी था लेकिन हथियार नहीं उठाया हुआ था इसने, तो एक जीला के मासूम आदमी को मार दिया। लेकिन मेरी गलती नहीं, इनका कैंप ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। अच्छा दो इजीला सिस्टर पहले से मरी हुई, तीसरी वाली सिर्फ बाकी है। तीनों से अगर ट्रॉफी उठा ली फिर तेल लेने गए ये लोग। तो एक काम करते हैं ना, ट्रॉफी उठाते फिर तेल लेने जाए, ये लोग निकलेंगे यहां से। ये तीसरी वाली ट्रॉफी किसके पास थी? और मिल गए। बहुत ही आसानी के साथ मिशन खत्म। अब जा रहे भाई पुल को मारने, मैं तैयार हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं तैयार हूँ, बाकी अभी मारेंगे तो पता चल ही जाएगा कितने तैयार थे। तो अभी लग रहा है कि कल की बात थी कि उल को हम लोग मारने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि उल को मारने जा रहे हैं हम लोग। और कोई मिशन आया है क्या? आया भी होगा तो उल ही को मारने जाएंगे। तो ऐसा है ना उल, बहुत दिनों तक राज कर लिया और तूने दो बार मारा है टकार को, मैं भूला नहीं, और उल से ज्यादा दूर है नहीं हम लोग। तो चलो जो काम स्टार्ट किया था उसको अब खत्म किया जाए। तो इस गेम का वन ऑफ द फाइनल बॉस है, यानी कि आसान तो नहीं होगा, डिफिकल्ट कितना होगा ये पता नहीं मुझे, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। तो मैं अब देख भी नहीं रहा हूं कि मैं क्या भर रहा हूं, बस जो भी खाली है सब भर लो, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे भी फिर इन सामान का रख के करना क्या है। तो रेडी सेट गो, या फिर स्किल्स भी देख लेते हैं एक बार। ये उल कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है मेरे, इतनी आसानी से मिल जाएगा फाइनल बॉस, या हो सकता है कि जस्ट अंदर इंतजार कर रहा हूं। चलो भाई जो बचे कुछ स्किल अगर अपग्रेड कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसा है ना कि मेरे पास अभी एक ही स्किल पॉइंट बचा हुआ है, और मुझे जो स्किल चाहिए ना, यानी कि हेल्थ बार बढ़ाने वाला, वो अभी अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए 6 स्किल पॉइंट चाहिए। तो जाने दो फिर, ऐसे भी ये उल वन ऑफ द फाइनल बॉस है, जब पटारी को मारने जाएंगे तो ये वाला स्किल अनलॉक कर लेंगे। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, रात के टाइम इसकी कैंप पे हमला किया जाए, ताकि ये उल को पता नहीं चले कि इसकी मौत इसके करीब आ रही है। तो पहली बार हम लोग सोकर रात करेंगे और रात के टाइम मिशन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने रात के टाइम मिशन नहीं किया है, पर जबरदस्ती फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये मिशन रात के टाइम ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा अंधेरा होगा लेकिन रात के टाइम में करने से क्या होगा ना कि दो में से फाइनल बॉस को मारने जा रहे, ऐसी फीलिंग आएगी, मजा आने वाला है। अच्छा ये स्नो वाला इलाका है ना, देख रहे हो रात के टाइम कितना अच्छा लग रहा है। तो उल के पास हम लोग, अरे रे रे रे, रात के टाइम में भूल गया था कि बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। चलो अच्छा ही है।
अच्छा देखा, छह छह भेड़ियों ने एक साथ अटैक किया था, लेकिन गदा से ऐसा धुना ये लोग भाग गए। तो जब इनको संभाल ले रहा हूं मैं, तूल तो अकेला रहेगा, उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। अच्छा जितने वुल्फ को मारा है ना, सबको स्किन करके रख लेता हूँ, क्योंकि सबकी मीट की जरूरत है, क्योंकि फैंगू को भर भर के खिलाना होगा अभी फाइट के टाइम पर। चल मेरे फैंगू आ जा, अब अपना जलवा दिखाने का टाइम आ गया है, पता है। अच्छा ये उल दिखा तो रहा है कि इस पहाड़ की उस तरफ है, लेकिन इस पहाड़ पे चढ़ने ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी कि कोई ना कोई गुफा या फिर कोई ऐसा कुछ होगा। हाँ मिल गया मिल गया, यहाँ से जा सकते हैं हम लोग। तो साइला ने पीला पत्ता इसीलिए बना के दिया था ताकि ये गुफा को हम लोग पार कर सकें। अगर ये नहीं रहता तो उल तक पहुंच भी नहीं पाते। तो इस पीले पत्ते को खाने के बाद ये सड़ी भी गैस अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी कुछ टाइम तक। तो गुफा को पार कर लिया हमने। अच्छा मैंने बहुत ही अच्छा किया जो रात के टाइम में आया, क्योंकि यहाँ पर इतनी लाशें पड़ी हुई है भाई, यूट्यूब ऐसा वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा वही मुझे लग रहा था कि इतनी आसानी से उल मिल जाएगा, फिर क्या बात है। तो उत्तम वॉरियर्स के होमलैंड में तो आ गए हैं, लेकिन ये उल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये घाटियों को पहले पार करना है और उल का भी जिक्र भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे योद्धा आएंगे जिन सबको हराने के बाद ये उल मिलेगा। अब भाई इनके मेन अड्डे में घुसेंगे तो 300-400 आदमी तो मिलने ही है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं ना अभी थोड़ा कंजूसी करने वाला हूँ तीर ये सब यूज करने में, क्योंकि मैं अपने वेपन्स के स्टॉक बचा के रखना चाह रहा हूँ उल के लिए, क्योंकि ऐसे होने के भी चांसेस है कि उल तक मैं पहुंच गया लेकिन मेरे पूरे वेपन के स्टॉक खत्म हो गए और तीर ये सब बनाने के रिसोर्स भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोग शरीर फोड़ पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम से कम वेपन यूज करना है। और जिन भी लोगों को मारा था कोशिश करना है कि उनसे तीर वापस जाके ले लें। बॉडी को सर्च भी कर सकते हैं, इनके पास से भी अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। ये रात के टाइम पे मैंने आगे गलती तो नहीं कर दी भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई भूत वाली गेम का फाइनल मिशन कर रहा है। आज तुमको कितनी भी कोशिश कर लो, आज टकार को कोई टक्कर नहीं दे सकता, यहां तक कि फूल भी टक्कर नहीं दे सकता, याद रखना। जो इसको मारने के चक्कर में मैं कहां पहाड़ के नीचे गिर गया। नहीं नहीं नहीं, यहां पर कुछ है जाने का। ओ अच्छा ही है, शॉर्टकट मिल गया अपने को। फैंगू तू पीछे मत रहना और इनके हाथों मरना मत, तू आते रह। तो ऐसा है ना फैंगू, तू खा पी के फुल हेल्थ में रह, तेरी फुल हेल्थ रहेगी, मैं टेंशन फ्री रहूंगा। तो अभी भी इनकी घटिया घाटियों को मैं पार किए जा रहा हूँ। आई थिंक ये पार कर लिए, ये क्या है उद्यम रेडर्स। ओ नहीं नहीं नहीं, अभी भी पार नहीं किया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फिर से वही आ गया। इनकी घाटियों को पार करते रहना, अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े भाई, ये इलाका तो पूरा ब्लॉक लग रहा है। नहीं नहीं आदमी भर भर के तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे रास्ता ब्लॉक मत करो, उस साइड से हम लोग जा सकते हैं।
देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि उस साइड से शायद जंप करने का कुछ होगा। देखो रात के टाइम में भले ही रास्ता कम दिख रहा है लेकिन कितना अच्छा गेम दिख रहा है नहीं। और ये चिल्लाने की आवाज तो आ ही रही है उधम वॉरियर्स की, भले ही मैप पे कोई नजर नहीं आ रहा है। भर भर के होंगे भाई, कम से कम अभी 50 से 100 आदमी को मारूंगा तब मैं उल तक पहुंचने वाला हूँ। तो हवा में अंधाधुंध मैंने अपनी गदा चला दी, वो अलग बात है किसी को लगी नहीं। अच्छा अच्छा, सड़ी भी गैस के लिए ना मैं वो एंटीडोट खा ही लेता हूँ। पेंगुइन ने बहुत अच्छा काम किया, तेरे रूप में जिंदा कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। चलो ये एरिया साफ हो गया, सबसे पहले फैंगो को जिंदा करते हैं फिर से। तो भले ही इस गेम में लूटने का दिया है लेकिन जल्दी आप लोगों ने देखा होगा मैं किसी को लूटता नहीं हूँ, पर आज लूटूंगा। आज जितने रिसोर्सेस मिले भाई कम है, बॉस फाइट के लिए जा रहे हैं हम लोग। तुशी तो सबको तो नहीं लूटेंगे लेकिन जो सामने नजर आ रहे जल्दी लूट के आगे बढ़ते हैं। तो वैंगू एक काम कर, आ जा, अभी भी इन घाटियों में बहुत काम बाकी है, मुझे बस उल का चेहरा देखना है जब उसको लास्ट में मैं मारूंगा। तो यहाँ पर जितने आदमी थे ऑलमोस्ट सबको लूट ही लिया, आगे बढ़ा जाए। वैंगू आ जा, अब इनके पास कुछ खास रखा हुआ नहीं है पर रास्ते में ना ध्यान रखना, अगर लकड़ी वकड़ी दिखेगी भाई तो ले लेना है। तो टकार के कहना है कि मैं वेंजा के लोगों के लिए बॉनफायर क्लेम करता हूँ और ऐसे भी उल आग से डरता है, तो यहाँ पर अगर मैंने आग लगा दी तो आग की लपटों को देखकर उल डरने लगेगा। तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तम वॉरियर्स का जो बॉनफायर है वहाँ तक पहुँचना है और उनका बॉनफायर बजा के आग लगा देनी है। तो तीर मैंने फुली लोडेड कर लिए लेकिन अब मेरे पास हार्डवुड की कमी हो गई है, इसलिए रास्ते में अगर लकड़ी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधे ज्यादा गेम में मैंने उल्लू को यूज नहीं किया, अब जब बुलाना चाह रहा हूँ तो उल्लू अब नहीं आ सकता है यहाँ पर, पता नहीं क्यों नहीं आ सकते, शायद ठंड की वजह से। जो उत्तम वॉरियर्स भाई अलग किस्म के डरपोक है, दूर से देख के चिल्ला देते, अरे पहले आने तो दो मेरे भाई। अच्छा ज्यादा दूर नहीं है इनका बॉनफायर, नजदीकी है, तो उसमें दूर से आग लगा देंगे तो काम चलेगा या फिर वहां पर दुश्मनों को भी मारना पड़ेगा? मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ आग जलाने से काम चलेगा, वहां जो आसपास दुश्मन आएंगे ना उनको भी मारना पड़ेगा। चलो पहले लेकिन आग ही लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये लिखा ही भाई कि सारे दुश्मनों को भी मारना पड़ेगा तब ये बॉनफायर क्लेम कर सकते हैं। ये उत्तम वॉरियर्स यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं पगला रहे, रुको पहले ये एंटीडोट खाने दो, उसके बाद बताता हूँ इनको। पता
पता नहीं आज फैंगू को भी क्या हो रहा है, दो दो सेकंड में मरे आ रहा है। तू एक काम कर, वेट कर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ये बॉनफायर अभी भी वेंजा के लोगों का नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई जिंदा है। अच्छा फैंगू खुश तो कौन बाकी है? पता नहीं यार कौन डरपोक है भाई, एक ऐसे डरपोक से ना बहुत चिड़ लगता है भाई। जब गैंग ज्वाइन किया तो सामने से आके फाइट करो, तेरे वजह से मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। दिख गया मुझे एक वहां पर दूर में कहीं चढ़ा हुआ है। फैंगू तू जा सकता है क्या वहां तक? अरे मुझे ही मारना होगा चढ़ के। भाई साहब खतरनाक टाइप का डरपोक है, वहां से भी भाग गया, लेकिन उसके पहाड़ पे चढ़ने का वो क्लाइंब करने का दिया है क्लॉ। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। जितना छुपना तू छुप जा, ये बॉनफायर तो क्लेम करके जा रहा है टका। तो वेंजा के लोगों के लिए बॉनफायर भी क्लेम कर लिया, और आग को देख के उल डरेगा भी। उल एक काम कर, आ ही जा तू अब। अरे अरे इसी का तो इंतजार था, उल की गुफा तक पहुंचना है। और उल की गुफा के बाहर ऑब्वियसली भर भर के आदमी होंगे, पर अपने को कुछ लेने देने नहीं। उल की गुफा के अंदर डायरेक्ट हम लोग घुस रहे हैं भाई। मैं सच बताऊं मैं चाह रहा हूं कि उल ना बहुत ज्यादा टफ रहा है मारने में, मतलब अगर आसानी से मार दिया तो जितना मैंने हाइप किया हुआ है उल को फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा फैंगू की मैंने फुल हेल्थ कर दिया, अब इसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है इसको कि एक दो बार में ये गिर जा रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कुछ ग्लिच कर गया है क्या? नहीं नहीं कभी कभी ऐसा भी हो रहा था ना, इसकी हेल्थ कम थी और इसको मैं फाइट करने के लिए भेज दे रहा था, तो शायद इस वजह से। पर आई होप कि मेन बॉस के टाइम पे ये ऐसा कांड नहीं करवाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। अच्छा ये उल की गुफा तक मुझे अकेले जाना है क्या? पता है अगर ये उल अकेले ना तो मुझे उससे अकेले फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके पास अपने आदमियों की फौज है तब मुझे भी अलाउ करना कि मैं अपनी बीस्ट की फौज को लेके आ सकूं। हाँ एक साथ सबको नहीं ला सकता, लेकिन एक एक करके लाने का ऑप्शन देना। तो अच्छी बात यह ना कि फैंगू अभी भी साथ है। तो उल की गुफा ने मुझे सामने ही दिख रही है। फैंगू आजा डायरेक्ट गुफा के अंदर घुसते, जो करना है सब अंदर चल के करेंगे। उल की गुफा के अंदर आ गए, दो बार मारा था मुझे, कहां छुप के बैठा हुआ है उल। भाई ये डिटेक्टिव खिलवाना कब बंद करवाएंगे मुझसे, मतलब इस गुफा की तलाशी करनी कि उल कहां गया है। अच्छा ये उद्दम वॉरियर्स के भी कुछ मासूम लोग हैं जिनको मार भी सकता हूँ लेकिन नहीं भी तो नहीं मारते हैं, अगर ये लोग मुझे नहीं मार रहे तो। वो सब तो ठीक है, लेकिन उद्दम वॉरियर्स की सारी औरतें की शक्ल एक ही जैसी क्यों है? कॉपी पेस्ट मारा है भाई यूबीसॉफ्ट ने, ये आदत यूबीसॉफ्ट की पुरानी है। तो गुफा में अभी भी तलाश मेरी जारी, और अब बदमाश लोग भी आने लगे हैं। तूल तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन उसके भर भर के आदमी मिल गए। चलो इनको पहले मारा जाए फिर आगे बढ़ेंगे। यहां जितना टाइम रहा ना, आधे से ज्यादा टाइम ये एंटीडोट खाई के रखो, क्योंकि इनके आधे वेपन्स तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। Oh!
ये सोचा नहीं था कि कभी करूंगा कि एक एक आदमी को मार के उसकी तलाश मिलूंगा, लेकिन आज करना पड़ रहा है क्योंकि उल अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ये गधा को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया है ना मैंने कि अब एक एक वार में जो फालतू आदमी है वो मर जा रहे हैं। अच्छा, एक स्किल पॉइंट मिला और बहुत सही टाइम पे मिला है, लेकिन ये कुछ काम का भी ले सकते हैं जो अभी काम आए ना भाई? ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तगड़े वालों ने मिलकर पैंगू को डाउन कर दिया, लेकिन इनसे डरना नहीं, इनसे डर गए तो उल से कैसे फाइट करेंगे? मारते हैं इनको। अभी जीता नहीं और सेलिब्रेट पहले करने लगा, तीनों को डाउन कर दिया। फैंगू तू आ जा। नी, नी। किसी ने बताया नहीं कि उल ने उद्धम वॉरियर्स की फैक्ट्री खोल के रखी है भाई, उद्धम वॉरियर्स को भेजे जा रहा है, खुद ही आ जाता। तो फैंगू को मैंने इंस्ट्रक्शन तो दिया है कि आदमी को खा के अपनी हेल्थ बढ़ा ले, बढ़ा ही लेना। मैं मीट अभी यूज नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, और रूल से फाइट करेंगे तभी यूज करेंगे। तो उल ने ये जो झुंड भेजा था इसको भी मार दिया है, लेकिन अभी तक उल नहीं मिला। फैंगू, लगभग तूने भी अपनी हेल्थ पूरी कर ही ली है खा पी के, आई जाब। आई शार्ट को मारना है ताकि ये दुश्मन के ऊपर गिरे। ये बड़ा सही था भाई। ओहो हो, उल मिल गया। ये जो येलो डॉट दिखा रहा है ना, यानी कि उल मिल चुका है, और ये जो अभी आई शार्ट वाली ट्रिक सिखाई गई, इसको हम लोग एज एडवांटेज यूज कर सकते हैं उल के ऊपर, इसीलिए सिखाया गया है ना। उल की आवाज आ रही है। ओ, उल की हेल्थ बन गई, उल की हेल्थ बन गई भाई। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दिस इज इट। फैंगू तैयार है ना, फुल हेल्थ है फैंगू की, और इतने इतने स्पीयर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, बाद में पीछे आके ले सकते हैं हम लोग। अभी तो फुल है, लेकिन अगर खत्म होते हैं तो। मैं जानता था कि उल अकेले नहीं है। चलो, डबल तीर वाला यूज करने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है या इसकी हेल्थ कमी नहीं हो रही है, और इसने फैंगू को डाउन कर दिया। भाई, जितने बीस को अभी तक मारा है ना, सबसे ज्यादा टफ है ये, उन सारे बीस से भी ज्यादा। इतनी सी हेल्थ लेके गया फैंगू और मैं मिलकर, और इसने फैंगू को मार दिया। पता है, इससे सामने सामने तो मैं फाइट नहीं कर सकता, दो बार मुझे मारेगा, मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और इसकी एक मनहूस आदमी लोग भर भर के आए जा रहे हैं। अच्छा, ये ना शॉट पागल बना देता आदमी को, और अपने ही लोगों पे ये अटैक कर सकता है, तो इसके लोगों को अपना बनाया जाए। अच्छा, फैंगू को मैं अभी जानबूझ के जिंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसको दोबारा रिकॉल कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो तीन तीन जले हुए स्पीयर इसके ऊपर मारे, लेकिन ज्यादा भाई को कुछ फर्क पड़ा नहीं, और इसने नीचे से डंडा मारा, मेरा दो हेल्थ बार खत्म। वाह वाह वाह, तो ज्यादा ही हो रहा है अब यूबीसॉफ्ट। ठीक है, मैंने बोला था कि टफ चाहिए मुझे, लेकिन इतना भी टफ कुछ ज्यादा हो गया, मजा आ रहा है। लेकिन अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना, ये पागल करने वाले शॉट्स इसके आदमियों के ऊपर यूज किया जाए। Oh, my God.
को दो बार इसने बैंगो को मार दिया और इसकी अभी आधी हेल्थ भी नहीं गई है। भाई ये मैमथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैमथ को यार कितनी हालत खराब हुई थी मारने में, उससे ज्यादा इसको टफ बनाया है। और पता है ये अकेला होता ना तो इसको मारना आसान होता है, लेकिन ये अपने आदमियों के साथ आया तो ये एक और दिक्कत है। और इसके आदमियों को मार भी दे रहा हूं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, आए जा रहे हैं आदमी लोग बार बार। भाई मतलब आग के अंदर तीर घुस गया उसके बाद भी ये बच गया तो अब क्या ही बोला जा सकता है। आजा तेरे मुंह पे स्पीयर मारा जाए। अच्छा बता दे रहा हूं अभी तक इसकी आधी हेल्थ तक नहीं गई है, ठीक है। सारे हथियार मैंने पूरे गेम में यूज नहीं किए लेकिन आज सब यूज कर ले रहा हूं और लगभग लगभग इसकी आधी हेल्थ तो जा ही चुकी है जहां तक मुझे दिख रहा है। ओहो भाई ऑलमोस्ट मरते मरते बचो, मरना मत टकार। अच्छा एक काम करते इस कार भालू को बुला लेते हैं। गलती से अपने भालू को मार दिया। भालू एक काम कर तू मार जाके। तुस्कार ऐसा है ना कि अपना मेन टारगेट वो तुस्कार ऐसा है ना कि मेन टारगेट अपना वो बावला यानी कि उल है। और ये देखो अपने आदमी को मारने गया क्योंकि इसका आदमी पागल होके इसी को तीर मार रहा था। बार खाने के बाद भी आराम से ये खड़ा हुआ है आदमी कि क्या है यार ये। दो मेरे ग्रेट बीस्ट को आराम से मार दिया है पर ये भी ऑलमोस्ट अब मरने ही वाला है, पर इतनी सी भी हेल्थ ले जाने में ना बहुत दिक्कत है। ग्रेटेड गदा में आग लगा के मार रहा, लेकिन फिर भी इसकी हेल्थ को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। था नहीं उल्की बॉडी स्टील बॉडी इसको कुछ होता ही नहीं, ये क्या बना दिया यूपी सॉफ्ट ने इसको। एक बात से मैं चिंता फ्री हूं कि ऐसे बहुत ज्यादा हेल्थ नहीं बची है, लेकिन इसकी इतनी भी हेल्थ काफी है मुझे मारने के लिए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मतलब मैं इतने वार किए जा रहा हूं ये हिल भी नहीं रहा अपने जगह से, एक डंडा मारा मैं फेंका के उठ गया। बस बस ये खत्म ही है, काम करते ना फैंगो को भी बुला ही लेते हैं, मिल के मारेंगे इसकी कोई आदमी भी नहीं आ रहे।
फैंगू ऐसा है ना, इसकी बस थोड़ी सी हेल्प बची, मिल के मारेंगे इसको, खत्म कर देंगे। भाई तो आके बराबर हेल्प बची, आ रही पार हो जाए। अरे भाई फाइनली, जितना रिसोर्स में लेके आया था, जितने हथियार लेके आया था, सब कम पड़ गए। वो तो अच्छा हुआ कि आसपास हथियार रखे हुए थे। टकार इसको मारने जा रहा था, लेकिन लगता है कि इसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, इसलिए टकार ने जाने दिया है। का कहना है कि वेंजा के लोग ना बहुत दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन उद्दम वॉरियर्स बीमारी की वजह से मरे आते हैं। तो तुम मेरे बेटे को ले जाओ टकार, और इसकी जान बचाना तुम, और इसकी रक्षा करना, और इसकी बेटी भी है यहाँ पर। तूल को फाइनली टकार ने मार दिया, और उसके बेटी और बेटे को अपने घर में, यानी कि वेंजा के गांव में ले जा रहा है टकार। अब मुझे देखते हैं कि वेंजा के लोगों के क्या रिएक्शन है उल्के मरने के बाद। अच्छा ये मैं सच बता रहा हूँ, भली देखने में इसकी हेल्थ कम थी, लेकिन बहुत ज्यादा टफ बनाया इसको यूबीसॉफ्ट ने। Mihi si shaus Berta. San shaus. Nashua Berta. Shaus man man. Bashayu. Bashayu. Tenzu baba thode se pagle hai, lekin acha aadmi hai. Wenjai palhumansi daftatakar. No udam winja dwaya. Who shlawata? Tan hi tu shirsh? Ay kuspa marwa winja sasarsh. तो टकार ने जब बताया कि उसने उद्दम वॉरियर्स के लीडर उल को मार दिया है, तो वेंजा गांव के लोग काफी खुश हो गए, और साइलेंट पूछा कि तुम मेरे लिए उल का कान लेकर आए क्या? तो टकार ने बोला कि मैं उसका कान तो नहीं लाया, लेकिन उसके बच्चों को लेकर आया हूँ। तो साइलेंट बोलने लगी कि तुम बच्चों को ला सकते हो, कान तो इतना छोटा सा था, लेते ही आते उसको भी। और टेंसे बाबा उल की बेटी को ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने लात मार दिया, और टेंसे बाबा भी हंसने लगे और बोले कि काफी स्ट्रांग लड़की है ये भी, तो उल के बच्चे अब यहीं पर पले बढ़ेंगे। और साइलेंट टकार को थैंक यू बोल रही थी कि अब तुम्हारी वजह से वेंजा के लोग आराम से रह सकते हैं, और टकार ने बोला उद्दम वॉरियर्स ना वेंजा के लोगों से डरेंगे, ठीक है। और साइला को जो वेंजा के मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती थी, उसने टकार को बोला कि देखो अब मुझे चीख सुनाई देना बंद हो गई है, और
मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंजा के लोग जो उद्धम वॉरियर्स के हाथ मरे थे उनकी आत्मा को शांति मिल गई है। तूल के खात्मे के साथ आज के एपिसोड हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और कल बटारी को भी खत्म करके गेम खत्म किया जाएगा। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा कल आपसे फार क्राई प्राइमल के फाइनल एपिसोड के साथ। चलो टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।